डॉक्टर आज अपने स्टूडेंट्स को कुछ नई चीजें सिखाने वाले थे। वो लड़की को स्ट्रेचर पर लेटाकर उसके पैरों को फैलाता है और भी अच्छे से चेक करने के लिए वो लाइट जलाकर सबको ध्यान से देखने के लिए कहता है। लड़की शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि इस रूम पर डॉक्टर को छोड़कर भी बाकी बहुत सारे लोग मौजूद थे। वो लोग भी ध्यान से लड़की को ही देख रहे थे। तभी डॉक्टर अपने हाथ में ग्लव्स पहनकर लड़की के प्राइवेट पार्ट को चेक करने लगता है। इधर इन हरकतों से लड़की को बहुत तकलीफ हो रहा था, पर डॉक्टर इन सब की परवाह न करके खुद अपना काम जारी रखता है, जिससे लड़की भी सिर्फ चुप होकर स्ट्रेचर पर रो रही थी। फिर बाद में वो नर्स को ये सारा कुछ कहती है। जवाब में नर्स बोलती है, डॉक्टर सिर्फ तुम्हें चेक कर रहे थे, उनका कोई गलत इरादा नहीं था। अगले दिन सीनियर डॉक्टर लड़की को बुलाकर कहती है, तुम्हारे कल के चेकअप से हमें पता चला है कि तुम्हें एक बीमारी है, जिसके चलते तुम्हारे शरीर में फीमेल के बदले काफी मेल ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं। इसलिए तुम भले ही बाहर से दिखने में लड़की ही क्यों ना लगो, पर जेनेटिकली तुम एक आदमी हो। डॉक्टर की इस बात को सुनकर तो लड़की का पूरा संसार ही उजड़ गया, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी।